हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आज ले आए हैं आपके लिए हवा महल की एक डिटेल्ड वीडियो, जिसमें हम आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है सिटी पैलेस वाली, तो देख लें, क्योंकि हवा महल सिटी पैलेस का ही एक पार्ट है। तो हमेशा की तरह आपको हवा महल की पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं। हवा महल को 1799 में सवाई प्रताप सिंह जी ने अपनी रानी और राजघराने की दूसरी महिलाओं के लिए बनवाया था। सवाई प्रताप सिंह जी ग्रैंड सन थे सवाई जय सिंह जी के, जिन्होंने जयपुर बनवाया और सिटी पैलेस में चंद्रा महल बनवाया। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में पहले पर्दा सिस्टम था और काफी हद तक आज भी है। रानी राठौर जी महारानी, जो कि सवाई प्रताप सिंह जी की पत्नी थी, उन्होंने बाहर के समारोह और बाजार देखने की इच्छा जाहिर की राजा जी से। अब स्त्रियां तो पर्दे में रहती थी, तो महाराज प्रताप सिंह जी ने राज परिवार की महिलाओं के लिए हवा महल बनवा दिया, जहां से रानियां बाहर तो देख सकती थी लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था। इस महल में 365 खिड़कियां और 953 झरोके हैं, जहां से महिलाएं हर तरफ देख सकती थी। सिटी पैलेस से महिलाओं के लिए एक सीक्रेट रास्ता भी बनवाया गया था, जहां से महिलाएं हवा महल तक आती थी। फ्रेंड्स, हवा महल में रहने के लिए कोई भी कमरा नहीं बनवाया गया था, लेकिन फिर भी इसको महल कहते हैं। आपको एक बात और बता दूं, ये जो 5 मंजिला महल आपको मेन रोड से दिखता है, ये दरअसल महल की बैक साइड है। इस महल की फ्रंट साइड अंदर की तरफ है। फ्रेंड्स, ये इस महल का मेन गेट है, आनंद पोल गेट। आइए अंदर चलते हैं। आनंद पोल से अंदर आते ही ये खुला एरिया है जहाँ पे सेना रहा करती थी, और उसी के सामने है ये दूसरा गेट, चंद्रा पोल। आइए अब चलते हैं चंद्रपोल गेट के अंदर और आपको दिखाते हैं। आज जिस रास्ते से हम हवा महल में एंटर करते हैं, इसे सेवादार आने जाने के लिए यूज किया करते थे। इस महल में टोटल 5 फ्लोर हैं और हर एक फ्लोर को एक नाम दिया गया है, जो कि हम आपको आगे डिटेल्स में बताएंगे। हवा महल का पहला फ्लोर है शरद मंदिर। फ्रेंड्स, ये जो खुला आंगन आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है शुभो भवतु। बहुत सी लताएं और पेड़ लगाए जाते थे ताकि कृष्ण भक्ति के लिए सुगंधित वातावरण बन सके। इस फ्लोर पे राज परिवार पतझड़ के त्योहार मनाया करते थे, जैसे कि तीज और गंगौर। इस महल को कृष्ण जी के मुकुट की तरह बनाया गया है, क्योंकि सवाई प्रताप सिंह जी कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। इस महल को बनाने की प्रेरणा सवाई प्रताप सिंह जी को खेतड़ी के हवा महल से मिली, जो कि झुंझुनू में स्थित है। करते ही हमारा स्वागत राजस्थान के क्लासिकल संगीत और कठपुतली के नाच से किया गया। इस फ्लोर पे आपको देखने को मिलेगा प्रताप मंदिर, जिसका नाम सवाई प्रताप सिंह जी के नाम पे रखा गया था। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये खिड़की बनाई गई है, जो बाहर से सैंडस्टोन को काट के बनाई गई है और अंदर कलरफुल शीशे का काम किया गया है। ये है उसी टाइम का खूबसूरत दरवाजा। सवाई प्रताप सिंह जी को लेखन का बहुत शौक था, वो यही प्रताप मंदिर में बैठ के लेखन किया करते थे। ये उनका स्टैच्यू उसी जगह बनाया गया है। महाराजा ने ब्रज नीति लिखी थी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ये देखिए, अंदर से इस खिड़की को 4 रंग के शीशे से बनाया गया है, जो कि बेल्जियम से मंगवाए गए थे।
ये शीशे चार रंग के ही क्यों हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। आइए दिखाते हैं अब आपको शरद मंदिर। यहाँ पे बहुत सी खिड़कियां हैं, जैसे कि पूरे महल में ही हैं। और यहाँ से बाहर का नजारा दिखाई देता है। जब पास का ही कुछ देखना होता था तो स्त्रियां इस जगह से देखा करती थी। आपको ऊपर जहां भी लोहे के कुंडे दिख रहे हैं, वहां पे पंखे लगाए जाते थे। फर्स्ट फ्लोर के दूसरे सेक्शन में ये म्यूजियम बनाया गया है, जहां बहुत तरह की मूर्तियां रखी गई थी, जो उस समय पे राजघराने की शोभा बढ़ाती थी। आइए चलते हैं दूसरे फ्लोर पर। इस फ्लोर को रतन मंदिर का नाम दिया गया है। यहाँ पर शीशे का बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी चार कलर का शीशा है। राजा ने वही कलर चूज किए थे जो उनके राज्य के झंडे में है। यहां से नीचे का कुछ ऐसा व्यू आता है। इस फ्लोर पे एक बहुत ही बड़ी टेरेस भी बनाई गई है। यहां से महल के चारों तरफ देखा जा सकता है। यहां पे जगह जगह धूप से बचने के लिए गुंबद बनाए गए हैं, क्योंकि राजस्थान एक बहुत ही गर्म राज्य है। एक और सेक्शन है यहाँ का, यहाँ पे सब जगह विंडोज ही विंडोज हैं, इसीलिए हवा महल कहते हैं। यहाँ सभी जगह एक से ज्यादा जगह बनाई गई हैं बाहर देखने के लिए,
ताकि सभी महिलाएं साथ में किसी भी समारोह का लुत्फ उठा सके। अब चलते हैं तीसरे फ्लोर पे, जिसको नाम दिया गया था विचित्र मंदिर। इस फ्लोर पे महाराजा जी ने कृष्ण जी का मंदिर बनवाया था और यहाँ महाराजा पूरी श्रद्धा के साथ पूजा किया करते थे। इस फ्लोर पे भी शीशे का बहुत ही सुंदर काम किया गया है। वैसे तो खिड़की के पास जाना रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन सब जा ही रहे थे। ये इस फ्लोर का ओपन एरिया है, जहां से महिलाएं नीचे देखा करती थी। यहां से बाहर तो देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता। फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर बहुत ही छोटे बनाए गए थे, जिसमें फोर्थ फ्लोर को प्रकाश मंदिर नाम दिया गया था और फिफ्थ फ्लोर को हवा मंदिर नाम दिया गया, जिस पे इस महल का नाम भी रखा गया। यहाँ से लगभग पिंक सिटी आप देख सकते हैं। ये फिफ्थ फ्लोर का दूसरा पार्ट है। यहाँ से भी आप चारों तरफ दूर दूर तक देख सकते हैं। यहाँ से आप नाहरगढ़ और जयगढ़ फोर्ट भी देख सकते हैं, जो हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में दिखाए हैं। तो ये था फ्रेंड्स सवाई प्रताप सिंह जी द्वारा बनाया गया हवा महल। उम्मीद करता हूँ आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। अगले वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं रणथंभौर। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कर दें, कमेंट करके अपने व्यूज़ दे दें और लाइक तो ज़रूर कर दें।